उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर के गोमती नगर विस्तार का मामला सामने आया है, जहां निजी हॉस्पिटल ने मां बेटे को गलत दवाइयों व बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जो आप पूरी घटना जानकर दंग रह जाएंगे कि लोगों का हृदय बन चुका गोमती नगर में कुछ ऐसे अस्पताल भी मौजूद हैं, जहां आप गलती से इलाज के लिए गए तो जान भी गंवानी पड़ सकती है। आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला गोमती नगर विस्तार सेक्टर 6 जीवन ज्योति हॉस्पिटल का है। इस अस्पताल में इंदिरा नगर की रहने वाली ललिता देवी व उनका बेटा बबलू राजपूत इलाज कराने जा पहुँचे। इलाज के नाम पर जमकर लूटा गया और जान भी गंवा दी। आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं कि ना तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है, ना डॉक्टरों का पता, अस्पताल संचालित। अब हम आपको पीड़ित परिवार की जुबानी सुनाते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रिया राजपूत है। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि मैं जब हॉस्पिटल भैया और मम्मी को हम लोग लेकर गए तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने गलत डोज दे दिया। आपके भाई का नाम क्या था? बबलू राजपूत। और माता जी का? मालती देवी। किस हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे? हॉस्पिटल पड़ता है गोमती नगर में, जीवन ज्योति। अच्छा, गोमती नगर में किस जगह? खरगापुर मलेशिया। अच्छा, किस डॉक्टर से वहाँ पे मिली थी? वहाँ एक डॉक्टर थे, वाशु, डॉक्टर वाशु शर्मा। अच्छा, क्या हुआ था फिर वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने बिना चेकअप के ट्रीटमेंट कर दिया। मैंने जो चेकअप करवाए थे वो बस टाइफाइड निकला था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस थोड़ा पापा की वजह से डिप्रेशन में थे भैया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने गलत डोज देकर पूरा भैया को ऐसे कर दिया, पूरा लीवर वगैरह सब डैमेज हो गया। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे कोई डॉक्टर रजिस्टर्ड या ऐसा कोई डॉक्टर जो उनको देख सके? कोई नहीं आया था। मैंने एक बुलाया था डॉक्टर साहब को, वो गए तो बोले बहुत गलत दवाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने बोला कि ये दवाइयाँ नहीं चलानी, इंजेक्शन नहीं देने इनको, इनको ये वाले इंजेक्शन देने हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कौन होते हैं, उनकी दवाइयाँ उन लोगों ने स्टार्ट ही नहीं की, वो अपना ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। बोले आपके भैया डिप्रेशन में ठीक हो जाएंगे। और मैं बोल रही थी होश में भी नहीं आते, कैसे चलेगा ऐसे, 8-10 इंजेक्शन दे रहे थे रेगुलर, ट्राइका वगैरह दे रहे थे जो नहीं देने चाहिए थे वो भी दे रहे थे। अच्छा, डॉक्टर कौन कौन से आपके भाई और माता जी को देख रहे थे? कोई डॉक्टर ही नहीं थे वहाँ पे, एक दीक्षित करके आते थे, उन्होंने बुलाया था, बोले कि ये डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं। वो देख के एक दो बार आए थे 15 दिन में, सोचे दो बार आए बस, बोले कि ठीक हो रहे हैं आपके भैया मम्मी, और चैलेंज किए कि 2 दिन में इनको ठीक करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे एकदम डैमेज होते गए, फिर हम लोगों ने देखा कि एकदम हालत इनकी कंडीशन खराब होती जा रही, बोले नहीं ये ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और उन्होंने इतना बिल बना दिया 2 दिन में, हम लोगों ने कितना उनको, कम से कम मैंने ही 70,000 दिए, उसके बाद दो बार मैंने ही दिए, 1.5 लाख कम से कम सबमिट किए वहाँ पे बिल किया। उसके बाद बोले कि अभी ठीक हो रहे हो, पैसों के चक्कर में ही हो रहा था वो डॉक्टर, नहीं कोई डिग्री नहीं उनकी, बाद में पता किया मैंने, वो बस ब्लड सैंपल लेने जाता था दूसरा वहाँ स्टाफ का कोई मेडिकल लाइन से है ही नहीं, बस उसके भाई हैं जो सब ऐसे ही, बस ऐसे ही हैं, कोई नहीं वहाँ पे डॉक्टर वगैरह, मेडिकल लाइन से उनका कोई वही ताल्लुक ही नहीं, बस ऐसे ही फर्जी बैठे वहाँ पे। ना नर्स भी रात में स्टाफ नहीं रुकता था, बस एक दो थी, वो भी कुछ इतना नॉलेज नहीं था। इसके लिए कहीं पे कोई शिकायत दर्ज कराई हो? मैंने 1076 पर कॉल की थी, तो उन्होंने बोला, कोई लेडी बोली कि हाँ ठीक है मैं आपकी कंप्लेंट शिकायत दर्ज कर ले रही हूँ, उसके बाद आपके पास मैं फोन करूँगी या फिर मैसेज आएगा। अब तक कोई मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। आगे मैम आप कहाँ तक जाएंगी कार्रवाई के लिए? मैं जाऊंगी, मैं कार्रवाई के लिए सीएम आदित्यनाथ योगी तक भी जाएंगे। अगर नहीं हो रहा कुछ तो मैं और ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगी।